Hello guys, how are you? I am Vaishali Nahar, welcomes you at my YouTube channel School at Home. Okay, so इस special lockdown classes में आपको मैं वेलकम करती हूँ और अगर आपने मेरे पहले वाले videos नहीं देखे हैं so guys please subscribe my channel for more videos. Okay, so आज का हमारा topic है class 12th का chapter number 1 का properties of electric charges and Coulomb's law. Okay. बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की. सो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर हम बेसिक तौर पे बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज में होते क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, उनकी जो मेथड होती है वो भी हमने तीनों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन मेथड होती है, कंडक्शन, इंडक्शन. इन मेथड्स के थ्रू हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं. सो ओके, यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट भी रीड कर देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा आपको कि आपको एक्चुअली में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या. सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी और द इलेक्ट्रॉन्स दैट पासिस फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर बाय डिफरेंट मोड्स लाइक कंडक्शन, इंडक्शन एंड अदर स्पेसिफिक मेथड. यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कंडक्शन, इंडक्शन या जो फ्रिक्शन की मैं बात कर रही थी, तो आप इनको पूरे डिटेल में मेरे इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं. उसमें मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली मेथड्स ऑफ चार्जिंग होती क्या है. चलिए, सो दिस इज द बेसिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज डेफिनेशन. हमें पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. ओके, सो पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन आपका कैसा है पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एंड प्रोटॉन कैसा है आपका, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. क्लियर है यार सबको. आपके अगर हम बात करें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, वो क्या होती है, एटम. अब एटम की बात करें तो एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट्स में, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो सेंटर में रहते हैं. अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. और अगर बात करें हम न्यूट्रॉन की तो वो कैसा है, अनचार्ज पार्टिकल है, मीन्स उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो. ओके, सो वी डिनोट अ चार्ज बाय सिंबल. अगर आपको डिनोट करना है तो ये डिनोट करते हैं हम चार्ज को सिंबल क्यू से, एंड इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कूलम. उसकी जो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की वो होती है कूलम. बढ़ते हैं हमारे अब यहाँ पे, जैसे कि प्रॉपर्टीज अगर हम देखें चार्ज की, तो अगर हम क्या होते हैं कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. मींस अगर आप यहाँ देखेंगे ये जो है आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको लाइक चार्जेस हैं ये दोनों, तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइक चार्ज है, जैसे ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. लेकिन अगर यही आप देखेंगे कि अगर नेगेटिव चार्ज है दोनों, तो वो भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. इसका मतलब लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं. और अगर आप यहाँ देखेंगे ये है पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट ईच अदर. तो आपको सिंपल ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में इन प्रॉपर चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर. मींस एडिटिव प्रॉपर्टी देखेंगे हम चार्ज के यहाँ पे. सेकंड देखेंगे चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी. नेक्स्ट हम देखेंगे कंजर्व्ड क्वांटिटी. थर्ड देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अब हम डिटेल में देखेंगे इनको एक्चुअली में एडिटिव नेचर क्या होता है, कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या होती है, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है. तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर. सो आप देखेंगे चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, इससे आप क्या समझते हैं. तो आपने स्केलर और वेक्टर के बारे में सुना होगा, तो जो चार्ज होते हैं हमारे वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है. कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी में मीन्स इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, हम मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, बट डायरेक्शन की बात नहीं होती है. They behave like a scalar and we add them directly. अब जो यहाँ पे addition होता है, ये scalar quantity, और उनको हम add कैसे करते हैं, algebraically add करते हैं. For example, आप suppose करिए कि एक system है, उसके अंदर दो charges हैं.
Q1 and Q2. मैं यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करती हूँ. एज एन एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस नेमली Q1 एंड Q2. एक सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2. अगर हम बात करें कि उस सिस्टम पर टोटल चार्ज क्या होगा, तो टोटल चार्ज क्या होगा, उनका एल्जेब्रिक सम मींस Q1 प्लस Q2. ओके, तो द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ Q1 एंड Q2, दैट इज Q1 प्लस Q2. अगर सेम अगर हम बात करें, एक सिस्टम है हमारे पास, अभी तो हमने यहाँ दो चार्ज लिए थे. अगर सेम बात करें कि अगर आपके पास एक सिस्टम है उसमें Q1, Q2, Q3 एंड Qn तक चार्जेस हैं, तो अगर हम एंटायर चार्ज की बात करेंगे तो वही होगा, एल्जेब्रिक सम होगा चार्जेस का. अगर यहाँ पे ये तो आपके पॉजिटिव चार्ज लिए हमने, अगर यहाँ पे नेगेटिव भी होता तो हम उसको क्या लेते हैं, यहाँ पे साइन के साथ लेते हैं. सपोज करिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें ये Q1 और ये Q2 है, तो यहाँ पे हम अगर ले लेते हैं Q1 और इसको ले लेते हैं माइनस Q2, तो भी आपका चार्ज क्या आता है, Q1 प्लस और फिर ब्रैकेट में माइनस Q2. यहाँ पे जो भी हम सम करेंगे यहाँ पे चार्जेस का, वो एल्जेब्रिक तरीके से करेंगे यहाँ पे हम सम, और जो नेट चार्ज होगा वो टोटल चार्ज का सम होगा. ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, द सेम थिंग होल्ड्स फॉर अ नंबर ऑफ चार्जेस इन अ सिस्टम. लेट अस से अ सिस्टम कंटेन्स Q1, Q2, Q3, Q4 to Qn, then the net charge of the entire system will the algebraic sum of all the charges. So here, Q1 plus Q2, Q3 plus Q4 till Qn. Okay. So आपको समझ में आ गया कि additive nature क्या होता है, मतलब charges को add करना है. Charges कैसी quantity होती है, scalar quantity होती है. जो charges का यहाँ पे हम sum करेंगे वो algebraic sum करेंगे. Okay. So, यहाँ पे अगर आपका जो चार्ज है अगर वो माइनस है तो उसको माइनस के साथ लेना है आपको, और अगर प्लस है तो प्लस के साथ लेना है. बढ़ते हैं हम आगे. ये देखिए, आप पिक्चर से समझ सकते हैं, यहाँ पे एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस. ये एक सिस्टम है उसमें Q1, Q2 और Q3, और ये इसका Q. अगर हम बात करें नेट चार्ज की, तो वो इन तीनों का क्या होगा, सम होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. नेक्स्ट आते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अब हम समझते हैं डिटेल में एक्चुअली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है. सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये का मीनिंग है कि जब भी चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो एक किस फॉर्म में चार्ज ट्रांसफर होगा. यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला क्यू इज इक्वल्स टू एन ई. ओके, सो यहाँ पे एन क्या है, एक इंटीग्रल है, इंटीजर है यहाँ पे, और ई क्या है आपका बेसिक यूनिट है चार्ज की. मीन्स ये क्या होगा आपका 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. ओके, सो चार्ज जब भी हमेशा ट्रांसफर होगा वो इसी फॉर्म में ट्रांसफर होगा. ओके, दिस सिग्निफाइज द फैक्ट दैट द चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी एंड वी कैन एक्सप्रेस इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे चार्ज को, एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सपोज चार्ज ऑन अ बॉडी क्यू है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, क्यू इज इक्वल टू एन. यहाँ पे जो एन है वो क्या है आपका इंटीजर है, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता और इरेशनल नंबर भी नहीं हो सकता. लाइक एन कैन बी, अब इंटीजर है तो वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है. सो लाइक 1, 2, 3, -5 एक्सेट्रा. द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरीज. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो भी चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या हो जाएगा आपका, +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. By convention, we take a charge of the electron as a negative and denote it as, अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की तो उसको चार्ज लेंगे माइनस ई, और अगर हम बात करेंगे प्रोटॉन की तो वो हो जाएगा ई प्लस ई, या फिर सिंपल ई बोलेंगे हम. तो आपको समझ में आ गया, मतलब जब भी चार्ज अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा तो वो एज ए इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का. ओके, मतलब जो यहाँ एन है आपका वो इंटीजर है, वो फ्रैक्शन नंबर में नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है इंटीजर फॉर्म में. चलिए अब हम बात करते हैं चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी. कंजर्व्ड क्वांटिटी की बात करें अगर हम, इट मींस चार्ज को इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड दे, बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर बाय सर्टेन मेथड्स. अगर हम बात करें तो यहाँ चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. जो सिर्फ चार्ज है वो आपका एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है, और हमने जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ी है वो आपकी फ्रिक्शनल मेथड, कंडक्शन मेथड एंड इंडक्शन मेथड. सो एक बार स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ मैं यहाँ पे. दिस इंप्लाइज दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर बाय सर्टेन मेथड्स लाइक कंडक्शन एंड इंडक्शन. सो यहाँ पे आपको क्लियर करना है कि चार्ज क्रिएट नहीं करना है, चार्ज
क्रिएट नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज जो है सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है चार्जिंग मेथड्स के थ्रू। एस अगर हम बात करें, चार्जिंग इन्वॉल्व्स रबिंग ऑफ टू बॉडीज, इट एक्चुअली अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फ्रिक्शनल मेथड की बात कर रही है या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे जब फ्रिक्शन मेथड में दो बॉडीज को रब किया जाता है और जो भी है आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, बात करते हैं हम, आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मोस्ट एंड द आईएमपी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द कूलम्स लॉ। ओके, सो पढ़ते हैं हम कूलम्स के बारे में, आपको ये पॉइंट्स भी नोट डाउन करने हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे कूलम्स लॉ गिव्स एन आइडिया अबाउट द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ ने क्या आइडिया दिया था, फोर्स का आइडिया दिया था बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस के बीच में। क्या कूलम लॉ क्या आपको देता बताता है, फोर्स बताता है। क्या बताता है, फोर्स बताता है दो पॉइंट चार्ज के बारे में। अब अगर हम बात करें बाय द वर्ड पॉइंट चार्ज, अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज का क्या मीनिंग है, द साइज ऑफ द लीनियर चार्ज बॉडी इज वेरी स्मॉल एज अगेंस्ट द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम दो पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं तो वो बहुत, जो उनकी साइज है वो बहुत स्मॉल एज कम्पेयर टू अगर हम उनके बीच के डिस्टेंस की बात करें तो। वी mean that in physics the size of the linear charge body is very small as against the distance between them. So, unke beech mein distance hai, uske comparison mein jo aapka charge hai uski size bahut choti hai. Therefore we considered them as a, isliye unhe kya kaha jata hai, point charges. As it becomes easy for us to calculate, ab usse hum kya calculate karenge, force of attraction and force of repulsion. Kyunki aapko pata hai ki like charge kya karenge, रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हम यही फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस। यहाँ पे देखिए, अब चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलम, अ फ्रेंच फिजिसिस्ट, इन 1784 मेजर्ड द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड ही केम अप विद द थ्योरी दैट द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, to the square of the distance between the charges. Okay. He also found that this force is directly proportional to the product of the charges. अगर हम इसको बात करें simple words में, तो यहाँ पे जो चार्ल्स ऑगस्टिन थे उन्होंने एक experiment perform किया और क्या देखा उन्होंने कि जो force है, इन 1784 में उन्होंने क्या देखा, मेजर्ड किया उन्होंने फोर्स को बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, और वो क्या थ्योरी लाए कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और उनका सेकेंड थ्योरी क्या थी, ही ऑल्सो फाउंड दैट दिस फोर्स इज डायरेक्टली, और डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के। दो चार्जेस है, सपोज करिए Q1 है और Q2 है, तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर हमने ले लिया r, तो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, r स्क्वायर। चलिए हम यहाँ पे इसको इस फिगर से देखते हैं, ये Q1 एक आपका पॉइंट चार्ज है, Q2 आपका चार्ज है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे फोर्स की, तो जैसे कि पहला पॉइंट था, here we can show it with the following explanation. Let us say that there are two charges Q1 and Q2. The distance between the charge, I mean, ye Q1 aur Q2 do charges hai, unke beech ka distance hai r. To jo first theory thi unki ki charge kya hote hain, inversely proportional hote to the square of the distance between them. To yahan pe aap dekhenge, ye idhar dekhiye aap, force kya hai, inversely proportional hai. Inversely matlab 1 अपॉन किसका इनवर्सली, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये स्क्वायर लिया है हमने डिस्टेंस का, तो कितना है r स्क्वायर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। द प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे दो चार्जेस का, Q1 एंड Q2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। सो अगर हम तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, f equals to k, क्या है यहाँ पे constant है आपका, so q1 upon q2 q1 into q2 upon r square, ये हमारा यहाँ पे force आएगा। अगर हम बात करेंगे k की, तो where k is the proportionality constant and equals to, उसकी value क्या लेंगे हम यहाँ पे, 1/4πε0। According to this theory, the like charges repel each other and unlike charges attract each other. Like charge क्या करते हैं, repel करते हैं, और unlike charge क्या करते हैं, attract करते हैं। This means charges of same sign will push each other
विथ रिपल्सिव फोर्स मीन्स जो चार्जेस हैं जिन पे सेम साइन होगा, इसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और अगर अपोजिट साइन मीन्स अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज क्या है नेगेटिव, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. While the charges with opposite sign will pull each other with the attractive force. Chaliye, so okay and goodbye. And please subscribe my channel for more videos. So, hum milte hain ab next lecture mein.